नमस्कार, स्वागत है सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों के सितारे में चर्चा करेंगे यहां पर आज के राशिफल, कमोडिटी बाजार और शेयर बाजार। शुरुआत करें हम यहां पर सबसे पहले आज के राशिफल से, और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मांगे नाम सीवी पर। बाजार के सितारों में हर रोज की तरह सबसे पहले राशि का मेष सिंह और धनु राशि में उन्हें घाटा होने की संभावना बन रही है, मुनाफा कम होने की संभावना बन रही है, सावधान रहें। तत्की तक की तीन राशियां हैं, दो चैतना शनि नक्षत्र और मकर राशि। निश्चित दुख की तरह विचार करनी है, सावधानी रखनी उचित है। वायु तट की तीन राशियां 3, 4, 11 या मिथुन तुला राशि आपके लिए दिन संभव है, आज अच्छा रहे, ना कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। 4, 8, 12 यह है जल तट की राशियां। कर्क राशि मीन राशि आप शुक्र की तरह इशारा हो रहा है, आप सावधान रहे। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान भी अच्छे जी। जी कनर जी, एग्री कम्युनिटीज की बात करें तो आज कपास खली में क्या लगता है आपको? देखिए, कपास खली के अंदर जहाँ पे इंटरडे ट्रेडिंग का सवाल है, मुझे लगता है कि कोई बड़ी तेजी की संभावना कम नजर आ रही है। यहाँ पे इसमें सावधानी रखनी अपेक्षित है। जी यही से कल जी बात करेगा गवार सीड की, तो गवार सीड में क्या लगता है, तेजी बनेगी या फिर आज इंटरडे में यहाँ से नीचे की ओर जाएगा? देखिए, पिछले कुछ दिनों से दो दिन में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में काफी वॉलेटिलिटी चल रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले एक या दो दिन के अंदर संभवतः भारतीय रुपया कमजोरी दिखाए अमेरिकी डॉलर के ऊपर खिलाफ। इसको देखते हुए देखें तो कुल मिला के आज की तारीख में मुझे लगता है कि गवार सीड के अंदर बहुत बड़ी तेजी की संभावना कमी नजर आ रही है, सावधानी रखें तो बेहतर रहेगा। जी ये से करना जी, मसाला पैक भी देख रहे हैं कि कुछ नरमी के साथ ही है, तो आज ज्योतिष के हिसाब से मसाला पैक कैसा कारोबार करता नजर आ सकता है? देखिए, मसाला पैक में विशेषकर जो धनिया है, जीरा है, लाल मिर्च वगैरह है, इन्होंने बहुत अच्छी मूवमेंट भी दी है, बहुत शानदार मूवमेंट दिया है, लेकिन तेज जीरे के अंदर बहुत ऊंचे दामों में की वजह से निर्यात काफी इफेक्ट हो रहा है, विशेषकर जो चाइना के जो जीरे की डिमांड आती थी उसके अंदर दूसरे सालों के बनस्पत थोड़ी कमी देखी जा रही है, क्योंकि चाइनीज हमेशा निचले स्तर पर माल खरीदने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो मुझे लगता है कि जब तक कोई अच्छी डिमांड क्रिएट नहीं होगी इसके अंदर वॉलिटिलिटी जारी रहने की संभावना बन रही है। जी कनर जी, सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, तो आपको क्या लगता है अब इस फैसले से जो सरकार ने लिया है 1 जून से लागू होगा, तो अब शुगर का जो बाजार है वो कैसा रह सकता है? देखिए, शुगर को हमने पहले भी आपसे अपडेट किया था और कहा था कि मूवमेंट बन रही है, और इस साल शुगर का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन भी हुआ है, और सरकार ने पहले 90 लाख टन शुगर के निर्यात के की योजना थी, जो कि उसमें 85 लाख टन ऑलरेडी निर्यात हो चुका है, मात्र लगभग 5 लाख टन चीनी का निर्यात लक्ष्य के आधार पर और होना बाकी है, जिसके ऊपर सरकार ने रोक लगाई है और जो 1 जून से प्रस्तावित है। इससे क्योंकि अब हाथी तो निकल गया है, खाली पूछ बची है, और दूसरा जो शुगर की जो डिमांड आएगी अगले 2 से 3 महीने में, उसकी पूर्ति करना और साथ साथ में उत्पादन, तो ये एक महत्वपूर्ण जब रहता है कि जब आपका उत्पादन बहुत बढ़िया है, आपने रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ है, गन्ने की फसलें भी अच्छी थी, तो उस वक्त यदि निर्यात पे रोक लगाया जाए तो फिर किसानों को और व्यापारियों को लाभ कैसे मिलेगा, ये एक प्रश्न चिन्ह है। और चीनी के जो दाम है, मुझे नहीं लगता कि पिछले 1.5-2 महीने, 3 महीने में कोई बहुत बड़ा चीनी के दामों में इजाफा हुआ है, तो मुझे तो ये समझ कम आ रहा है कि जब किसानों को और व्यापारियों को लाभ मिलने की संभावना होती है उस वक्त इस तरह से रहे। और यदि हम बात करें, यदि गेहूं की बात करें या खाद्य तेलों के अंदर बात करें, तो बात समझ में आती है, चीनी के दामों में क्या बेटा सब भगवती नहीं है, तो सरकार कभी
सब्सिडी देती है निर्यात पर, कभी निर्यात रोकती है। इसका मैं पहले भी आपके टीवी आपके चैनल के माध्यम से सरकार के लिए रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, आप की निवेदन कर चुके हैं कि आप एक परमानेंट पॉलिसी बनाए कि इतने उत्पादन से अधिक होने पर निर्यात होगा और इतने प्रयोग से बढ़ने से निर्यात रोका जाएगा। क्योंकि जब तक एक परमानेंट पॉलिसी नहीं है तो व्यापारी और किसानों के को बीच में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। आपने कहा कि भाई इसको रोकने से दाम घटने हैं, अरे जब दाम घटने हैं तब आपका रिकॉर्ड उत्पादन आपने हुआ है और आप उसका क्रेडिट ले रहे हो, तो उसके बाद में उसको लाभ नहीं मिल रहा है तो फिर वो किसान क्यों करेगा और व्यापारी क्यों करेगा और मिलर्स क्यों करेगा। आप एक तरफ गेहूं में भी ऐसा हुआ, एक तरफ सरकार प्रमोशन की स्कीम चला रही है, मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि हम डेलीगेट्स भेजेंगे विदेश अलग अलग देशों में, हमने कहा कि हम गेहूं का निर्यात के अंदर और बढ़ावा देंगे, अचानक से खबर आती है कि 13 मई के बाद में जो भी है या 13 तो कि आप उसके अंदर निर्यात नहीं हो पाएगा। तो ऐसी दशा में जब व्यापारी माल खरीद लेता है और उस वक्त निर्यात रोकते हैं तो ऐसी दशा के अंदर बाजार में अफरा तफरी मचती है, बाजार में घबराहट पैदा होती है और इसका नतीजा है कि किसान और व्यापारी बाजार से दूर भागने लगता है। तो जब तक पॉलिसी ही क्लियर नहीं होगी, एक तरह की गेहूं के अंदर देखा जाए तो 10 करोड़ टन से ज्यादा का लक्ष्य था जो कि लक्ष्य से कम उत्पादक तेज गर्मी और उसकी वजह से, उसके बाद में सरकार की थी वो भी 444 लाख टन की थी, उसके अंदर 180 लाख के आसपास ही उसकी प्रिक्योरमेंट हो पाई गवर्नमेंट की। अब जब आपकी सरकारी खरीद अभी 50% से कम है और भाव जो है वो एमएसपी से ऊपर चल रहे हैं, उस समय आप निर्यात रोकेंगे तो इसमें कोई दोहरा नहीं है। भी देखने जरूरी है लेकिन वो हित जब होने चाहिए जब आपका एक फिक्स फार्मूला बन जाए, तब ये चीज हर चीज ज्यादा जून में है, कभी खोलना कभी जुड़ना कभी उसके अंदर करना, इससे सिवाय अनिश्चितता के कुछ नहीं होगा। जैसे अभी सोयाबीन देखा है कि सोयाबीन और सूरजमुखी तेल को 20-20 लाख टन का इम्पोर्ट अगले 2 साल के अंदर करने की बात हो रही है। मेरा यही सरकार से निवेदन है, यही सरकार से इल्तिजा है कि आप परमानेंट पॉलिसी बनाएं, पॉलिसी बनाने के बाद उसके ऊपर पॉलिसी के हिसाब से इंप्लीमेंट करें। आपने जो नियम बनाए हैं उन नियमों को यदि कोई व्यापारी या कोई किसान उसको पूरा नहीं करता है तो उस पर आप पेनल्टी लगाते हो, लेकिन तब आप अपनी पॉलिसी आप क्लियर नहीं करोगे तो फिर व्यापारी और किसान किस पे पेनल्टी लगाएगा। ये तो ये एक बहुत अहम फैसला है, इसको लेना चाहिए और जितना और जितने विकसित देश हैं उनमें इस चीजों पर बहुत जरूरी होता है। आपकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उस रिपोर्ट से वो पूरी नहीं होती हैं, सोयाबीन के जो आपने आंकड़े दिए थे, कॉटन के जो आंकड़े दिए थे वो सारे बाद में आपने अमेंड करने पड़े, आपको मानसून पिछले साल जो था उसके अंदर भी आपने कहा था बहुत बढ़िया मानसून आएगा, मानसून बढ़िया नहीं आया, पहले 30% कम बरसात थी फिर 30% अधिक बरसात थी, जुलाई अगस्त के अंदर 30% कम बरसात थी और सितंबर अक्टूबर में 30% अधिक बरसात थी, तो किसान और ये मेरा मत है जी। कर्नल जी, खाद्य तेलों को लेकर भी बड़ा फैसला आया है कि सरकार ने 2 साल के लिए खाद्य तेलों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है, अब आपको क्या लगता है इस फैसले से खाद्य तेलों के बाजार पर कितना असर पड़ेगा? देखिए मेरा मानना तो यही है कि खाद्य तेलों की तेजी मंदी का भारत के पास कोई रास्ता नहीं है कंट्रोल करने का। जो उसके पास कंट्रोल करने का एक रास्ता है कि अपने आयात शुल्क कम कर दें, हटा दें, बस यही तय कर सकता है, क्योंकि ना तो खपत हमारा देश रोक सकता है कंजम्पशन, ना पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ा सकता, वो एक ग्रेजुअली इंक्रीज होती है पैदावार की। तो
जब तक कोई तिलहन का उत्पादन में देताशा वृद्धि नहीं हो, जैसे स्वामीनाथन जैसा कोई व्यक्ति आए और हरित क्रांति करे और वो गेहूं के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर कर बन के जिस तरह से हो, उस तरह से यदि कोई भागीरथी प्रयास होगा तो कुछ फर्क होगा। बाकी आपके आयात शुल्क हटाने से या कृषि टैक्स हटाने से 20-20 लाख टन के इंपोर्ट करने से मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जितना आप घटाओगे उतना रेट वो बढ़ा देंगे जी। तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर वही घूम फिर कर हम वहीं पे आ जाते हैं कि भाव हुए रहते हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है जी। आप देखिए प्याज के अंदर यदि आपने देखा हो, पिछले साल प्याज के अंदर भारत सरकार ने 2 लाख टन का बफर स्टॉक बनाया था तेजी को देखते हुए पिछले सालों की, और जो 500-600 रुपए किलो टन क्विंटल का प्याज था वो 3,000-3,200 रुपए क्विंटल बिका 2 लाख टन बफर स्टॉक बनाने के बावजूद। तो ये जो सारी चीजें हैं डिमांड एंड सप्लाई के खेल हैं। दूसरी चीज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जो भाव हैं उनको जब तक आप नहीं अपने हिसाब से देखेंगे, एक और आप देखें अभी भारतीय रुपया 78 रुपए तक हुआ यूएस डॉलर के बनस्पत, तो जो आप इंपोर्ट कर रहे हो जी आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है जी। तो जब आप रुपी जो आप कंट्रोल आपके आपके अंडर कमांड है उसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो जो आप मामूली गिरावट जो आप शुल्क लगा रहे हो, ऑलरेडी आपने शुल्क कम कर दिया था जनवरी के 2022 के जनवरी के अंदर, उसके बाद क्या हुआ 1020 का सोया तेल 1700 बिका जी। तो पॉइंट यही है, मेरा यही कहना है सरकार से कि आप जब आप जो चीज आप इंपोर्ट करते हो उसके अंदर आपका रुपया बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि यदि भारतीय रुपया कमजोर होगा तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले कि आप रुपए के कमजोरी को रोको, नंबर वन। नंबर टू आप तिलहन के प्रोडक्शन को बढ़ाओ जी। नंबर थ्री आप जब नीचे भाव होते हैं उसको सरकारी खरीद करिए, चाहे यदि किसान आपको नहीं दे रहा है तो आप खुद इंपोर्ट करके आप अपने भंडार भर लो, समस्या क्या है। नहीं पैसा तो सरकार के पास है ही ना जी, उसने ईयर मार्क कर ही रखा है कि इतने हजार करोड़ हम सोयाबीन के लिए है, इतने हजार करोड़ हमारे पास बीज के लिए है, इतने हजार करोड़ हमारे दलहन पर है। तो यदि किसान नहीं दे रहा है तो सरकार खुद इंपोर्ट करके नीचे के भाव के अंदर आप उसका स्टोर कर लो, जैसे कच्चा तेल किया था जब 18-20 डॉलर आया था। तो ये चीजें सरकार को दूसरे नजरिए से देखना पड़ेगा, परंपरागत दृष्टि से नहीं देखना है, तभी यदि ये काबू होगी। यदि आपकी की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप आपके पास स्टॉक होगा, चाहे व्यापारियों के पास हो चाहे सरकार के पास हो, आपके भाव आपकी उस वस्तु के भाव बढ़ेंगे नहीं। लेकिन जब भाव बढ़ जाते हैं उस वक्त आप सोकर उठोगे तो उसके उस ऐसी दशा में कुछ भी नहीं होगा। सेम थिंग कोयले पे हो रहा है। देखो एक तरफ कर्नाटक से एक आयरन ओर की एक्सपोर्ट खोल दी है जो पिछले 8-9 साल से बंद थी, दूसरी तरफ आप उसके ऊपर जो ड्यूटी घटा रहे हो। अरे जब निर्यात ही क्यों कर रहे हो जब आपके पास माल ऑलरेडी आपकी कृपा के पास है, तो फिर वहां से बाहर से मंगाने की क्या जरूरत है जी। तो कुल मिला के यही कहना है कि सरकार नीतियों पर थोड़ा सा ख्याल करे और उपभोक्ताओं के साथ साथ व्यापारी और किसानों को भी देखे कि एक तरफ हम लोग कह रहे हैं कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, तीन गुनी करेंगे, जब उसको किसान को पैसा मिलता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है जी। तो कहने का सिर्फ एक मकसद है कि सरकार को, क्योंकि सरकार के पास बहुत ताकत है, वो इन सब चीजों को ध्यान में रख के सबके हित के लिए वो काम करे, तभी कोई बात बनेगी, अन्यथा ये कंफ्यूजन पैदा होता रहेगा और कुछ नहीं होगा। जी जी, इसी के साथ कनर जी, स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट आज कैसी रह सकती है? स्टॉक मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहने की पूरी पूरी संभावना है कि कोई एक तरफा मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि मेटल स्टॉक्स बहुत बुरी तरह से पिट रहे हैं, इधर शुगर स्टॉक्स बहुत बेहतर से बुरी तरह से पिट रहे हैं, आईटी स्टॉक्स में के अंदर भी कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रही है,
और जहां तक बैंकिंग स्टॉक्स है वो फ्लैट से हैं, तो जब जो जो निफ्टी जो इंडेक्स है निफ्टी का वो सबसे ज्यादा तीन पे ही निर्भर करता है, वो है आपका बैंक, वो आपका सूचना एवं प्रौद्योगिकी और तीसरा है आपका ऑयल एंड गैस। तो तीनों ही सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर अभी कुछ सुधार की उम्मीद है। और रुपया फ्लैट हो रहा है और इसमें अभी जैसे रुपए की कमजोरी बढ़ेगी मुझे लगता है कि इसका असर शेयर बाजार पे भी पड़ना चाहिए और यहाँ पे और कुछ कमजोरी की संभावनाएं बन सकती है, इसमें सावधानी रखनी चाहिए। जी अखिलेश जी। जी कन्हैया जी, तो आज कुछ ऐसा रह सकता है आपका राशिफल कमोडिटी बाजार और शेयर बाजार। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए जानकारी साझा। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।